बीजेपी सरकार के भ्रष्ट कानून और किसानों पर हो रहे अत्याचारों पर समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल आंदोलन लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले में देखने को मिल रहा है। जिस तरह यूपी सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो रही है और किसानों के हित में कोई भी कार्य बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा है, जिसके चलते जनपद राय बरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव तथा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय इंद्रजीत सरोजी के निर्देशानुसार के नेतृत्व में देश प्रदेश में चल रही कानून व्यवस्था को देखते हुए वर्तमान में चल रही प्रदेश सरकार में जिस तरह से लूट, हत्याएं, बलात्कार जैसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, उससे बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए आज जनपद रायबरेली के जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर ऊंचाहार विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, आशीष पटेल, नीरज पटेल, अंकित प्रधान, मुनेश्वर हेमंत, प्रमोद चौधरी, लोहिया वाहनी जिला अध्यक्ष राहुल निर्मल, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष फहीम अहमद और रायबरेली जनपद के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।